ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं। अब हमें टाइप बी में एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको एग्जाम में 1 to 2 marks का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हमें इस टाइप से दो मैट्रिक्स लिखी हुई दिखे, जैसे एक मैट्रिक्स आपको यहाँ दिख रही है और एक मैट्रिक्स आपको यहाँ दिख रही है। अब उसमें हमें क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और इस सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंबाइन लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं कि हमने किस कंसेप्ट से लिया है। हमें क्या रूल बनाया गया है एग्जाम के लिए कि अगर कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास में यहाँ पे जिसमें एलिमेंट है 1 1 1 2, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड का सेकंड, ऐसे एक और कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की, 2 by 2 की, 1 2 1 2, ये 2 by 2 की दिखी आपको, और ये मैट्रिक्स भी कितने की है 2 by 2 की। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाई होती है कि किसी भी मैट्रिक्स तभी बराबर होगी, कोई भी दो मैट्रिक्स तब बराबर होगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की 2 by 2 की, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की 2 by 2 की। तो कोई भी दो मैट्रिक्स तभी बराबर होगी या उनसे हम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब उनके ऑर्डर बराबर हो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बराबर कर देता हूँ आपके लिए, जैसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है 1 2 1 2, तो ये 2 by 2 की है, और ये 1 2 1 2, ये भी 2 by 2 की है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो मेरी बराबर है किसमें, ऑर्डर में। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्या क्या निकालना है, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये 4 की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, y के बराबर। तो y का आंसर आ जाएगा, आप फर्स्ट देखो 4 किसके बराबर है, y के बराबर, तो y की वैल्यू आएगी 4। x किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी 1। z किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो z की वैल्यू आएगी 3। तो ये काफी इजीएस्ट क्वेश्चन था जो 1 marks में हमारे एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसका ऑर्डर पहले डिसाइड करो आप लोग, 1 2 1 2, मतलब ये 2 by 2 की है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 1 2, मतलब इसका ऑर्डर 2 by 2। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी निकालना है, क्योंकि अननोन कौन है, ए बी सी। तो हम इसको बराबर करते हैं पहले इसके, ए माइनस बी माइनस 1, ऐसे इसको बराबर करेंगे इसके, 2a माइनस बी बराबर 0। हम क्लास 9th में 10th में पढ़ते आए हैं कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ये भी ए और बी में अननोन है, ये भी ए और बी में अननोन है, आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो जोड़ते कैसे, आपको नॉर्मली 9th 10th से चीज पता है। यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस, इसका साइन हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस। ठीक है, तो ए में से 2a गया तो ये तो बचा माइनस ए, माइनस ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 1 में से 0 गया तो इधर क्या बचेगा, माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब इस ए को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग, a माइनस बी बराबर माइनस 1, इस a की वैल्यू उठा के आ रहा तो 1 माइनस बी माइनस 1, b उधर चल जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, b उधर जाएगा तो प्लस का b, b की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में a आ चुका है, b आ चुका है, अब हम लोग निकालते हैं c। तो इस कंडीशन में आप लोग देखो यहाँ पे थोड़ा मैं साइड में इधर लिख देता हूँ, हमारे पास में a और b आ चुका है, आप c की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आप इसको देखें, 2a plus 5, 2a plus c किसके बराबर है, 5 के। अब ये एक और नई इक्वेशन मिली मेरे पास में जो ये वाली इसके बराबर है। अब आपके पास a की वैल्यू अवेलेबल है, a की वैल्यू आप उठा के रखो, 2 into 1 plus c = 5, तो ये हो जाएगा 2 plus c = 5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो 5 minus 2 = 3, तो c की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में आ चुकी है 3। इसी टाइप से मैं d की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे, इसी टाइप से हम लोग d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। d की इक्वेशन आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, 3c + d = 13। अब आपने c की वैल्यू निकाली तो आप c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3 into 3 + d = 13, तो ये हो जाएगा 9 + d = 13, तो d की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 9 उधर जाएगी माइनस होगा
तो डी की वैल्यू मेरे पास में जाएगी यहाँ पे 13-9, 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चारों अल्फाबेट निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपके बेसिकली एग्जाम में 2 मार्क्स का आ सकता है। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।